इंट्रो की बकचोदी बाद में करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो भाई थगेश भाई ने हमारी एक वीडियो निकाली जिसके अंदर बिल्कुल हेल्दी रोस्ट किया गया था अदनान का, पर अदनान तो वो छोटा बच्चा निकला जिसके अंदर दम तो कुछ नहीं है पर वो मारने की धमकी हर किसी को दे देता है, अभी तक वो रोड पे चाहे क्यों ना पिटा हो। तो मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। तो पतनान भाई ने डॉन बन के भाई थगेश को कॉल कर दिया, थगेश को उल्टा सीधा बोला ये वो फलाने ढिकाना। भाई वीडियो के बाद ना इन्हें डायरेक्ट लड़ने की बात कर दी कि कैमरे के पीछे क्या बज रहे हो, सामने आके बजो, फेस टू फेस मिलो, मैं तुम्हें अभी इसकी स्टोरियां भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तुम्हें मैं ये दिखाता हूँ कि थगेश ने इसके ऊपर कैसी वीडियो बनाई थी, पहले आप वीडियो का पार्ट देखो। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगी। ये लास्ट में ऐसा क्यों चल रहा था? ये क्या है भाई? और एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया, और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया। ये कोई ईस्टर एग्स है क्या छपरी वर्ष का जो हम मगलू समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा, एक डायलॉग एक दिन में बोलते तो पूरा रील शूट करने में 3-4 दिन लगता होगा, तो हो जाता है कंटिन्यूटी एरर। देखा भाई, बिल्कुल एकदम हेल्दी रोस्ट है, कुछ ज्यादा उल्टा नहीं बोला, कुछ फालतू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी रोस्ट है। जो वीडियो के अंदर हुआ है वही उन्होंने बोला, फैक्ट। सही बात है, पर भाई इन्हें तो हाइप चाहिए ना, हाइप चाहिए तो कंट्रोवर्सी तो इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि यार इनके फॉलोवर देखो ना तुम कितने ज्यादा, पर व्यूज देखो। म्यूजिक सारा मामला व्यूज और हाइप का है। तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पदनान भाई ने स्टोरियां लगाई हैं, आप पढ़ो देखो। बिना मेरे नाम लिए इनके घर में चूल्हा नहीं जलता लगता है, सिर्फ कैमरे पे मत भजो, वीडियो में कैमरे के सामने ना मर्द बनने वालो, आओ तो फेस टू फेस। वाह 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 वाह, देख रहे हो यार तुम इसे, इतना कुछ ज्यादा इससे बोला भी नहीं है, और ये चीजें सारी पर्सनल ले रहा है क्योंकि अभी से हाइप चाहिए। ये भी अब इंस्टाग्राम का आमिर सिद्दीकी बनना चाहता है, इसे भी भाई रोस्टो की इसके ऊपर जब बोछार होगी तो इसे अब हाइप चाहिए। तो चलो यार इसे हाइप देते हैं। वही ज्ञान के चौधे, तूने लक्ष्य चौधरी का भी नाम लिख रखा है टाइटल में, उसके बारे में तो बता क्या बात हुई है इससे पदनान की? लक्ष्य चौधरी भाई की चमकते पदनान से बात हुई थी, तो आप खुद ही सुन लो इनके बीच में क्या बात हुई है। लो। अच्छा भाई ये तो बता, तेरी गुद्दी कैसी पीटी थी? नामर्द, असल का तो सामने आके बात करो, वैसे वीडियो में बकचोदी मत करो तुम लोग, समझ रहे? भाई मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, देख वहां तो मैं आऊंगा नहीं, जहां पे तू रहता ना यार मेरे को सांस नहीं आएगा चोल वोल में ना, पर देख दिल्ली आ जा, एयरो सिटी में तेरे को होटल दिलाऊंगा, कभी तूने देखा नहीं होगा, और फिर वहां पे आमने सामने बात कर लेंगे, ठीक है? लेकिन भगियो मत, जैसे तू ही भगा था ना, मारूंगा भी नहीं, चल तू मेरा छोटा भाई है, नहीं मारूंगा ब्रो। देख लिया ना आप लोगों ने, भाई ये बहुत बड़ा डॉन है, इसे अब भाई टू फेस ही बात करनी है, तो हमारे लक्ष्य भाई ने इसे दिल्ली बुला लिया है, और एरो सिटी में एक होटल भी दे देंगे, क्योंकि ये चोल में तो कभी होटलों में बैठे नहीं होंगे, तो लक्ष्य भाई से एरो सिटी में होटल भी दिलवा देंगे। तो चलो यार अब इसे हाइप देते हैं, हाइप देने के लिए तुझे कुछ नहीं करना पदनान भाई, बस एक बार खोल के खड़े हो जा, तुझे हाइप ही हाइप मिलेगी। मस्त प्लान है, पैसा ही पैसा होगा। तो यार ये था इनका कंट्रोवर्सी का सीन, तो ये पार्ट वन है, पार्ट टू में आने वाला अदनान का एकदम गंदा रोस्ट भाई, जिसे मैं कहूँ ना आज तक तुम्हारे भाई ने सबसे गंदा रोस्ट अब अदनान के ऊपर ही आएगा, तो जो उसका सेकंड पार्ट है ना आज, या तो मैं रात में ही नहीं कल सुबह डाल दूंगा, या फिर आज रात में डाल दूंगा, तुम बता देना कमेंट करके प्लीज, ठीक है ना? वरना कल तो भाई पार्ट टू आएगा ही आएगा, और उसमें इतना गंदा रोस्ट होगा ना तुम्हें यार हेडफोन लगाने पड़ जाएंगे। तो चलो यार चलता हूँ, बाय, लव यू मोहित। अब कुछ तहलका करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि छपरी दोबारा उठ रहे हैं। क्या भाई छपरी दोबारा उठ रहे हैं? ये छपरी टिकटॉकर मानेंगे नहीं। अबे मत मानंदे, अब जो होने वाला ना अब तो तहलका ही मचेगा यूट्यूब पे मेरी जान। हाय हाय।